पर तो वो जार हो गया जिसमें सैंड और पानी है, और गोमती वो जार हो गया जब पानी है, तो कहीं पर उस जार पे गोमती में पानी आ रहा, कहीं पर गोमती से उस जार में पानी जा रहा है, मेन पर ये नदी गिर जा रहा है। अब जब हम नदी के ऊपर दबाव डालते हैं, दबाव कैसे डाल रहे हैं, हम नदी में कूड़ा डाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, सब तरह की गंद डाल रहे हैं नदी में, क्योंकि हमने शायद हमको ये अंग्रेज़ों ने सिखाया था कि जो नदियाँ हैं इसमें कूड़ा डालो, ये वहाँ चले जाती है। तो ये हमारी एक आदत बन चुकी है और आज से नहीं कई हफ्तों से है। उनके एक भाई साहब कह रहे थे कि साहब सरकार कुछ नहीं करती, लेकिन आदत तो हमारे अंदर है ना, सरकार हमारी आदत, हम रॉन्ग साइड पर चलते सरकार कुछ नहीं कर सकती, केवल भय ठीक करता चालान हो जाएगा, भय चल करते, लेकिन उससे भी नहीं होता काम। आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, सब लोगों को आपके लिए मैसेज कन्वे करना पड़ेगा, आप आपके आसपास के लोगों को, अपने घर वालों को, अपने से बुजुर्गों को, यहाँ आते हैं तो गांव वालों को, जो आसपास के लोग रहते हैं, कि भाई नदी में अगर आप कोई भी किस्म की चीज़ डालोगे तो उससे नदी हर्ट होगी। उसी तरह से जब नदी हर्ट होगी तो नदी का जो गंदगी है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि इस जाल से उस जाल में जाते हैं, तो गंदगी जो है आपके जो भूजल है उसमें चली जाती है। नदी में जो भी गंदगी यहाँ पाई जाती है हमारी गोमती में, फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है लखनऊ के आसपास, लेकिन इस नदी के अंदर लेड है, जिंक है, आर्सेनिक है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कंटेंट गोमती नदी का गाजीपुर के पास इंडिया की सारी नदियों से हाईएस्ट है, और एल्युमिनियम अगर पानी के साथ आप लगातार पीते हैं तो दिमागी बीमारियाँ हो जाती हैं, जैमर हो जाती है। तो ये कहाँ से आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि हमारी जितनी गंदगी शहर की है, यानी कि मल, वो सब धड़ाके धड़ाक गोमती में डाला जा रहा है जाने अनजाने में। उसके ट्रीटमेंट के प्लांट लगे हैं, कितना काम करते हैं नहीं करते हैं ये तो आई डोंट नो, लेकिन वो मल उसमें आ रहा है, उसको होते हैं बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को लगती है भूख, जब आपको बहुत भूख लगती है घर जाते हो तो क्या करते हो, मम्मी खाना दो, खाना नहीं बना है, तो आपको जो चीज़ समझ में आती है